झारखंड सरकार द्वारा गोड्डा जिला में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा के बाद जिले वासियों ने खुशी जाहिर की है। अब तक जिले में चल रहे कई नर्सिंग निजी संस्थानों में बड़ी फी के कारण नाम पर बड़ी राशि खर्च कर ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे। ऐसे में सरकारी नर्सिंग कॉलेज बनने पर आने वाले दिनों में इससे जुड़ी बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे, वो भी कम खर्चे पर। आइए सुनते हैं कि सरकार की घोषणा के बाद छात्राएं और ऐसी शिक्षा तकनीकी शिक्षा मेडिकल शिक्षा लेने वाली छात्र छात्राएं क्या सोचती हैं। रोजगार जो भी है तो उसके लिए अच्छा रहेगा, और मतलब जो नर्सिंग में भी इंटरेस्ट रखती है तो उनके लिए भी सही रहेगा। अब तक प्राइवेट में बहुत लोगों को खर्च ज़्यादा पड़ जाता होगा। हाँ, खर्च पड़ता है। ये सरकारी में खर्च कम पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पहल की गई है, गोड्डा जिले को एक नर्सिंग स्कूल मिला है, किस रूप में देखते हैं आप? बहुत अच्छे है कि बच्चे लोग यहाँ के बहुत बाहर करने जो जाते हैं, यहाँ नर्सिंग कहीं बाहर जाते हैं, यदि गोड्डा जिले में हो जाएंगे तो गोड्डा जिले के बच्चे गोड्डा में ही रह कर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चे लोग नर्सिंग सब कोई बाहर से करते थे नर्सिंग का, वो और प्राइवेट से करते थे सब कोई गोड्डा जिले में, अभी तो सरकारी में ही प्राइवेट। तो खर्च पड़ जाता था। हाँ, खर्च पड़ जाता था। क्या नाम है आपका? पिंकी।